हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के एडिटिंग में हम लोग कुछ इस टाइप से ब्लैक एंड ग्रीन टोन में फॉन्ट एडिटिंग करना सीखेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फोटो लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग का ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम -8, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, तो टेंट की वैल्यू को भी यहाँ से करेंगे हम -8, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +23, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम सेकंड वाले ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -12, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो फ्रेंड्स, इसे रखते हैं +25, एंड नेक्स्ट आते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +28, एंड नेक्स्ट आते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +44, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -24, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लैरिटी की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +40, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट मिले। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को माइनस क्यों ले जाएंगे, तो विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -44, एंड यहाँ से मीट फंड की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मीट फंड की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ 14, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +80। अब हमारी फोटो को हम शाइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो इसे रखते हैं 18, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 24, एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो फ्रेंड्स, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें
शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सिप्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।